सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है और आपका अकाउंट अगर गलती से फ्रीज होता जाता है या फिर बंद हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है, तो आप किस तरीके से उसको चालू कर सकते हो, वापस बंद ही हुए अकाउंट को, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, अगर गाइस न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, सिंपली आपको अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में यहाँ से सबसे पहले तो आपको कस्टमर केयर वगैरह से बात कर लेना है, अगर कोई भी रिप्लाई आता तो ठीक है, नहीं तो आपको एक्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है, यानी कि ट्विटर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ट्विटर एप्लीकेशन को आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है क्योंकि इसमें रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्च बार पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है IPPB। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल इनका ये। सिंपल हमारे को क्या करना है, प्लस वाला आइकन पर यहाँ से हमारे को सिंपल का क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम प्रोफाइल में जाएंगे, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फोटोज़ पे जाएंगे, आप कोई भी फोटो भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली डन दबा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो आपको कोई भी एक फ़ोटो ले लेना है, उसके बाद इस फोटो को हटा देना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको @ लगा कर IPPB, ठीक है, IPPB यहाँ पर आपको सर्च करना है, तो यहाँ से सेकंड नंबर पे इस पर आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद ये आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है माई, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है माई अकाउंट, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फ्रीज या फिर अकाउंट लिख देना है क्लोज, ठीक, कुछ भी आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है, प्लीज़ कुछ भी आप लिख सकते हो, माय अकाउंट नंबर या फिर माय मतलब जो मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, प्लीज, ठीक है, सोल्व माय अकाउंट प्रॉब्लम। ठीक है, आप यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से सही से लिखकर आपको फिर पोस्ट करना है, तो आप कैसे 2 से 4 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर आपको वापस ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेरा देख सकते हो अकाउंट ब्लॉक हो गया था पेटीएम वाला, तो मैंने इस तरीके से जो जो मांगा मैंने दे दिया, उसके बाद इन्होंने मेरा देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, यानी इन्होंने जो भी मांगा मैंने दे दिया था और मेरा अकाउंट ठीक अनब्लॉक हो गया था। इस तरीके से मेरे और भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट इस तरीके से फ्रिज हो गए थे जो कि अनब्लॉक ऑटोमेटिकली हो चुके थे। तो बस वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।